Chamba, with her well-known scenic beauty, is equally popular for her art and culture. Chamba art was patronized by various kings and started to flourish during the reign of Raja Raj Singh. Many art forms were developed in Chamba. They have valid claim for GI tag like Chamba Thal, Chamba Rumal, etc. One such art style is Pahari miniature painting, and one person who has a major role in keeping this art alive in the 21st century is Vijay Sharma. I had the honor of spending some time with him and know about his journey in the art world. Success comes before work only in dictionaries. बचपन से शौक था पेंटिंग पहाड़ बनाता था फूल पत्ते बनाने जब मैं स्कूल भी नहीं जाता था मेरे फादर किताबें लाते थे बच्चों की चंपक वगैरह चंदा मामा मगर उनमें जो चित्र होते थे उनको देखता रहता था चित्रों को देख के बड़ा मज़ा आता था स्कूल टाइम में जब मैं मिनिएचर वगैरह नहीं बनाता था तो मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा इसलिए बड़ा कि चंबा बॉयज़ स्कूल जो था हाई स्कूल उसमें मिर्जा असगर बेग ड्राइंग टीचर थे उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया पेंटिंग ऑयल पेंटिंग वाटर कलर स्केचिंग वगैरह वो एक खुद बड़े अच्छे आर्टिस्ट थे गुणी आदमी थे पिछले साल ही उनका देहांत हुआ उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह प्यार किया और मुझे सारा जो जानते थे वो कला के बारे में मुझे बताया और दूसरा मेरे पिताजी को डॉक्टर विश्वचंद्र ओरी ने उनको गाइड किया कि इस लड़के को जो शौक़ है उसको मिनिएचर पेंटिंग में आगे आप कुछ ट्रेनिंग वगैरह कराइए ताकि इसी लाइन में ही आगे जाए क्योंकि इसमें है नहीं हिमाचल में करने वाला कोई फिर थोड़ा प्राइमरी स्कूल के बाद जब मैं सिक्स में गया स्टैंडर्ड में तो म्यूजियम चंबा में जो है भूरी सिंह वहाँ एक दो बार देखने को गया मैं पहली बार मैंने मिनिएचर पेंटिंग देखी वो देख के मैं बड़ा हैरान हूँ सोने के रंग हनुमान छलांग लगा रहे हैं लंका क्रॉस कर रहे हैं समुद्र में छलांग लगा रहे हैं उन चित्रों ने मेरे दिमाग में बड़ा असर डाला और जब थोड़ा पूछा उन चित्रों के बारे में तो मुझे बताया गया कि ये चंबा के राजाओं के टाइम में ये पेंटिंग्स बनती थी और राजा लोग बनाते थे जो लोग बनाने वाले थे वो चंबा में रह के काम करते थे मगर अब उनके परिवार के लोग अभी भी हैं मगर वो काम करना छोड़ चुके हैं क्योंकि राजा लोग रहे नहीं तो उस कला के कदरदान ख़त्म हो गए तो उसके साथ ही कला भी ख़त्म हो गई मेरे को बड़ा अचंभा हुआ कि इतनी महान कला इतनी बारीक काम इतने चमकदार रंग और ये ख़त्म हो गया चंबा में सब था मैं सीखना चाहूँ तो कहाँ करने वाला कोई नहीं था फिर म्यूजियम में जो क्यूरेटर थे उन्होंने मेरे फादर को बताया कि बनारस म्यूजियम में एक बुजुर्ग कलाकार है उस्ताद शारदा प्रसाद उनका एड्रेस दिया मेरे फादर ने चिट्ठी लिखी उन्हें कि मेरे बेटे को शौक है वो पेंटिंग सीखना चाहता है उन्होंने कहा आ जाओ उस वक्त मेरी उम्र थी कोई 16-17 साल की फादर में मुझे लेके गए हफ्ता भर रहा मैं वहाँ उनकी पेंटिंग देखी मैंने उन्होंने मुझे रंगों के बारे में बताया कि रंग कैसे बनते हैं देसी रंग सोना असली रंगों का दर्शन वो कैसे बनता है कैसे लगाते हैं फिर कुछ दिनों बाद कुछ लोगों का बहुत पता चला जो चित्रकार थे राजस्थान में राम गोपाल विजयवर्गी जी थे कृपाल सिंह शेखावत थे वेदपाल बन्नू थे घनश्याम निम्बर्ग थे बद्रीलाल सोनी थे भीलवाड़ा में इन सब से मिला मेरी जो शंकाएं थी जो प्रश्न थे रंगों के बारे में वो उनके साथ डिस्कस किया मेरी जो समस्याएं मुझे आती थी वो उनसे चर्चा की मैंने और सब लोगों ने देखा कि इसमें बच्चे में शौक है पेंटिंग के प्रति जुनून है और इतने दूर से आया है तो उन्होंने कंजूसी नहीं की जो भी उनको था वो सारा मुझे खुल के बताया रंगों के जो सीक्रेट्स थे कैसे बनते हैं वो सारे मेरे को बताए जब मेरे पिताजी हिमाचल ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर थे और गंभीर बीमारी के चलते उन्हें मेडिकल के आधार पर नौकरी छोड़नी पड़ी तो मुझे उनके बदले में ट्रांसपोर्ट में पेंटर की नौकरी मिली मेरा काम था गाड़ियों को रंग रोगन करना और उन पर हिमाचल परिवहन लिखना 2 साल तक मैंने वो नौकरी की मगर मुझे उस नौकरी से संतुष्टि नहीं थी तो इतने में मुझे वो नौकरी छोड़ के भाषा संस्कृति विभाग ज्वाइन करने का मौका मिला वहाँ आर्कियोलॉजिकल विंग में एक पोस्ट थी कंजर्वेशन असिस्टेंट की 5-6 साल उस पोस्ट पे काम किया बाद में सरकार ने मेरा
पोस्ट ग्रेजुएशन जो था वो मेरी योग्यता को देखते हुए आर्टिस्ट के रूप में कर दिया, और मैं चंबा के भूरी सिंह संग्रहालय से आर्टिस्ट सीनियर आर्टिस्ट के रूप में रिटायर हुआ हूँ। बहुत लंबा काम सर्विस की मैंने इस डिपार्टमेंट में, धर्मशाला म्यूजियम में एक पेंटिंग स्कूल खोला था, वहाँ पे बच्चों को सिखाने जाता था, कुछ पेंटिंग धर्मशाला म्यूजियम के लिए बनाई, चंबा म्यूजियम में मेरी बनी पेंटिंग रखी हुई है। तो एक किस्म का भूरी सिंह संग्रहालय से मेरा ऐसा नाता जुड़ा कि वहाँ बहुत सारे बाहर से जो स्कॉलर लोग आते थे या आर्टिस्ट आते थे, उनसे मिलने का सौभाग्य मिला। कुछ साल शिमला में भी नौकरी की है, तो ज़्यादातर मैंने आर्टिस्ट के तौर पे इस डिपार्टमेंट में काम किया है और आर्टिस्ट के रूप में ही रिटायर हुआ। मैं बेसिकली पेंटर हूँ, लेखक तो ऐसे ही जिसको बोलते ना कि अचानक बन गया। मेरा मकसद पेंटिंग पर किताबें लिखने का नहीं था, क्योंकि मेरे से ज़्यादा बड़े बड़े विद्वान हुए, उन्होंने पहाड़ी पेंटिंग पर किताबें लिखी हैं। मगर मैं एक आर्टिस्ट के रूप में जब देखता हूँ कि पेंटिंग पर लिखने की अप्रोच उनकी अलग है। एक तो पहले ज़्यादातर किताबें लिखी हैं वेस्टर्न जो स्कॉलर थे उन लोगों ने, अब जैसे इंडियन म्यूजिक है, इंडियन म्यूजिक का जो ताना बाना है या ढांचा है या उसका जो एक सिलेबस है, उस पर आप वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के जो पैरामीटर्स हैं वो लागू नहीं कर सकते। हमारा म्यूजिक अलग है, राग है हमारा अलग है, वैसे ही हमारी जो पेंटिंग ट्रेडिशन है वो वेस्टर्न पेंटिंग से अलग है। तो जो लोग वेस्टर्न आर्ट के स्कॉलर हैं वो पहाड़ी पे लिख रहे हैं तो न्याय नहीं कर सकते वो, हमारा सिस्टम ही अलग है। हमारी पेंटिंग लिटरेचर पर है, लिटरेचर का उनको ज्ञान नहीं है जो लिख रहे हैं, तो इसलिए जो चीज़ें छूट गई उन लोगों से उसको मैंने कोशिश की लिखने की। बहुत सारे देखो हजारों की संख्या में पेंटिंग्स हैं, बनाने वाले थे कौन उनका पता ही नहीं चलता, नाम नहीं लिखते थे पेंटिंग में। तो मैंने हरिद्वार वगैरह कुरुक्षेत्र में पिहोवा में जो जहाँ पे पंडे लोग बैठते हैं, जहाँ पे मरने के बाद लोग अपने नाम रिकॉर्ड करवाते हैं हरिद्वार में, उन पंडों के बही खातों से मैंने बहुत सारे कलाकार ढूंढ निकाले जिनका नाम ही नहीं कोई नहीं लेता था। पहली बार मैंने उनके नाम उजागर किए। तो ऐसे अभी भी बहुत सारी रिसर्चेज हैं जो होनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आगे जो नई पीढ़ी के लोग हैं कंटिन्यू करेंगे इसमें शोध कार्य जो है रिसर्च। नेशनल अवार्ड मिला था मेरे को 18 साल की उम्र में, नेशनल नहीं वो सॉरी स्टेट अवार्ड, फिर 28 साल की उम्र में मेरे को नेशनल अवार्ड मिला, 48 साल की उम्र में पद्मश्री मिला, और हिमाचल प्रदेश सरकार जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने मुझे ऑनरेरी PhD डॉक्टरेट की उपाधि दी है। तो ये और हिमाचल सरकार ने मुझे हिमाचल गौरव से नवाजा है। फ्यूचर प्लान, कुछ किताबें लिखनी है मैंने पेंटिंग पे, रागमाला पेंटिंग सब्जेक्ट है उस पर किताब लिखनी है, फिर चंबा म्यूजियम की जो कलेक्शन है नेचर की उस पर कुछ भी नहीं काम हुआ है, उसकी एक किताब लिखने का इरादा है। और इसके अलावा मुझे कुछ साल पहले मध्य प्रदेश सरकार से संस्कृति विभाग से एक असाइनमेंट मिला था, भागवत पुराण पे करीब 200 पेंटिंग बनानी है गुलेर शैली की, तो उसमें मैंने करीब 150 पेंटिंग बना दी है, 50 और बनानी है, वही आजकल मैं काम कर रहा हूँ। और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पे मैं अपने शिष्यों के साथ आजकल काम कर रहा हूँ। देखिए ये जो मिनिएचर पेंटिंग की कला है और शास्त्रीय संगीत जो है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, ये सब दरबारी कलाएँ थी, दरबारों में राजाओं के आश्रय में ये कलाएँ फली फूली कई शताब्दियों तक। जैसे दरबारी संगीतकार होते थे वैसे दरबारी चित्रकार होते थे। अब जब ये देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो भारत सरकार ने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के लिए तो बहुत काम किया, क्लासिकल म्यूजिक को स्कूलों में इंट्रोड्यूस किया, कॉलेज में इंट्रोड्यूस किया, यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया। मगर ये मिनिएचर पेंटिंग है, इसके साथ थोड़ा सा सौतेला व्यवहार हुआ है। आज की तारीख में भारत में कोई भी संस्थान नहीं है जहाँ पे मिनिएचर पेंटिंग सिखाई जाती है। आज भी जो लोग सीख रहे हैं वो गुरु शिष्य परंपरा के तहत, सरकारी कोई संस्थान ऐसा नहीं। तो गवर्नमेंट को इस दिशा में कुछ उचित पग उठाने चाहिए जिससे जो लोग इस कला को सीखना चाहते हैं, इस कला की परंपरा को बनाए रखने के लिए ऐसा कुछ संस्थान होना चाहिए
राजस्थान में होना चाहिए, पहाड़ों में होना चाहिए, जहाँ जहाँ भी मिनिएचर पेंटिंग की परंपरा रही है वहाँ पे सीखने का विधान होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। एडवाइस ऐसा है कि जैसे एक परफेक्ट सिंगर बनने के लिए कई कई साल रियाज करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, ये कला भी ऐसी है मिनिएचर पेंटिंग। इसमें आप कई साल काम करेंगे, रियाज करेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी, ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती इसमें, क्योंकि ब्रश जो है उसको मास्टरी करने में 10-20 साल लग जाते हैं। एक धैर्य होना चाहिए सीखने वाले में। सक्सेस कम बिफोर वर्क ओनली इन डिक्शनरीज, अदरवाइज सक्सेस जो है वो काम से पहले नहीं मिलती, काम करने के बाद मिलती। जब हम सीखते थे पेंटिंग तो यहाँ कोई लेने वाला तो होता नहीं था कि किसी को हम बेचेंगे क्या करें, अपने अपनी खुशी के लिए बनाते थे। मगर अब टूरिस्ट यहाँ ज़्यादा आने लगा है, इंटरनेट ने नए द्वार खोल दिए हैं, आप अपने घर बैठ के इंटरनेट पे अपना सामान डाल सकते हैं और बेच सकते हैं। और तीसरा, गवर्नमेंट भी अब इसमें कुछ कर रही है कि जैसे टूरिज्म के थ्रू या बाकी और इम्पोरियम वगैरह खजियार में कुछ ये बन रहे हैं। अब जैसे कांगड़ा में एक कांगड़ा आर्ट प्रमोशन सोसाइटी एक NGO है, वो लोग अपने पेंटिंग डाल देते हैं, टैग लगा देते हैं, प्राइस टैग, ऑर्डर आ जाते हैं उनके खाते में, पैसे आ जाते हैं, वो बॉलीवुड से पेंटिंग भेज देते हैं। इस तरह की नई चीज़ें, ये संभावनाएँ खुली हैं, नए दरवाजे खुले हैं। Hey, it's Mrinalini back again. Your subscription would really motivate me to make better content in the future. Thank you.